प्रदेश भर के कृषि उपज मंडियों में आने वाले किसान, पल्लेदार, ग्राहक और अन्य सभी लोगों को भरपेट सस्ता भोजन उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। मंडियों में इंदिरा रसोई योजना शुरू करने के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने कृषि विपणन विभाग को प्रस्ताव भेजा है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। प्रदेश भर के शहरों में 358 इंदिरा रसोईयां संचालित की जा रही हैं। इन रसोईयों में गरीब और जरूरतमंद लोगों को मात्र 8 रुपए में सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने इस बजट में इंदिरा रसोईयों की संख्या बढ़ाकर 1000 करने की घोषणा की है। इस बजट घोषणा के क्रियान्वयन के लिए रसोईयों की संख्या में बढ़ोतरी करनी है। वही योजना के नोडल विभाग स्वायत्त शासन विभाग से 12 श्रीगंगानगर सहित विभिन्न जिलों के शहरी निकाय कृषि उपज मंडियों में भी इंदिरा रसोईयां शुरू करने की मांग कर रहे हैं। इसे देखते हुए स्वायत्त शासन विभाग ने कृषि विपणन विभाग को प्रस्ताव भेजकर मंडियों में इंदिरा रसोईयां खोलने के लिए सहमति मांगी है। आपको सबसे पहले बताते हैं, मंडियों में आने वाले किसान, काम करने वाले मजदूर और अन्य आगंतुकों के लिए भोजन की क्या व्यवस्था है। जहां फसलों की आवक अधिक है, उन कृषि उपज मंडियों में वर्ष 2014 से किसान कलेवा योजना चल रही है। इस योजना के तहत मंडी में आने वाले किसान और पंजीकृत पल्लेदार और मजदूरों को 5 रुपए में खाना उपलब्ध कराया जाता है। भोजन की कुल लागत 40 रुपए है। इसमें से 35 रुपए का अनुदान कृषि विपणन विभाग की ओर से दिया जा रहा है। किसान जब मंडी में आता है और अपनी फसल तुलवाता है, उसके बाद उसे भोजन की पर्ची मिलती है। इसके अलावा पंजीकृत पल्लेदार और मजदूरों को ही किसान कलेवा योजना का लाभ मिल पाता है, जबकि अन्य मजदूरों, किसान के साथ आने वाले लोगों और अन्य आगंतुकों के लिए सस्ते भोजन की व्यवस्था नहीं है। कृषि उपज मंडियों में किसान कलेवा योजना के स्थान पर इंदिरा रसोई योजना लागू की जाती है, तो कृषि विपणन विभाग के लिए यह मामला हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा ही चोखा जैसा है। वहीं मंडी में काम करने वाले और आने वाले सभी लोगों के लिए भी इंदिरा रसोई योजना का संचालन फायदेमंद होगा। इंदिरा रसोई योजना में भोजन के लिए किसी भी अलग पर्ची की जरूरत नहीं होगी। मंडी में आने वाले सभी लोग, चाहे वे किसान हो या किसान के साथ आने वाले या कोई भी मजदूर या आगंतुक, सभी रसोई में भोजन कर सकेंगे। कृषि विपणन विभाग किसान कलेवा योजना में जो अभी 35 रुपए का अनुदान देता है, वह भी उसे नहीं देना पड़ेगा। इंदिरा रसोई की भोजन की थाली की लाभार्थी को महज 8 रुपए में उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा प्रति थाली स्वायत्त शासन विभाग ही 17 रुपए का अनुदान देगा। रसोई संचालन के लिए 5 लाख रुपए एक मुश्त और प्रति वर्ष 3 लाख रुपए प्रति रसोई भी स्वायत्त शासन विभाग ही वहन करेगा। योजना में जन सहभागिता के तहत अगर भोजन प्रायोजित कराया जाता है, तो लाभार्थी को प्रति थाली 8 रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे। कृषि उपज मंडियों में इंदिरा रसोई योजना शुरू करने से किसान कलेवा योजना के आर्थिक भार से कृषि विपणन विभाग मुक्त हो जाएगा। साथ ही मंडी में हर किसी को सस्ता और भरपेट भोजन मिल सकेगा। हालांकि जानकार कहते हैं कि वर्तमान में किसान कलेवा योजना में 35 रुपए प्रति थाली का अनुदान देने वाला कृषि विपणन विभाग अगर लाभार्थी की ओर से दिए जाने वाली 8 रुपए की राशि खुद वहन कर ले, तो लाभार्थी को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है। काशीराम चौधरी के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।